सीधी शिक्षा मैट्रिक के साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का 12 चैप्टर जिसके अंतर्गत हम लोग थर्ड एक्सरसाइज देख रहे हैं आकृति 59 में ओ वृत्त का केंद्र पी क्यू एक जीवा है, यदि पी आर क्यू इक्वल टू 50 डिग्री है तो ओ पी क्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज को जानेंगे कि भाई जिस तरीके से आप लोग वृत्त के व्यास को जानते हो, वृत्त के त्रिज्या को जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल को जानते हो और वृत्त की परिधि को जानते हो, उसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग ये चीज को आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आकृति 59 में ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू एक जीवा है, यदि पी आर क्यू इक्वल टू 50 डिग्री हो तो ओ पी क्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आकृति 59 में ओ वृत्त का केंद्र पी क्यू एक जीवा है, यदि पी आर क्यू इक्वल टू 50 डिग्री है तो ओ पी क्यू का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग ये चीज जानते हैं भाई कि आकृति के स्वरूप में अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं तो आकृति के स्वरूप में जब हम लोग इस चीज को देखते हैं जो त्रिज्या के बेस पे होता है वही आप लोगों का यहाँ पर व्यास के बेस में भी होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग ये जानते हैं कि व्यास के बेस पे हम लोग एक चीज जानते हैं भाई, व्यास और त्रिज्या के बेस पे हम लोग जानते हैं और किसके बेस में जानते हैं हम लोग, क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग जानते हैं और यहाँ से हम लोग परिधि के बेस पे। ठीक है, तो व्यास के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, त्रिज्या के बेस पे देखते हैं, क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं, परिधि के बेस पे देखते हैं, परिधि के बेस पे 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, त्रिज्या r, व्यास 2r। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी चीज को देखते हुए चले जाते हैं। तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज होता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब भी त्रिज्या r के बेस पे हम लोग देखते हैं, जो त्रिज्या हमारे पास किसके बेस होता है, त्रिज्या r के बेस होता है, व्यास 2r के बेस पे होता है और क्षेत्रफल क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है, पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है और परिधि किसके बेस पे होता है, तो परिधि आप लोगों का 2πr के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये 2πr के बेसिस में हो जाएगा। तो त्रिज्या के दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो ये r के इक्वल में आता है, व्यास के दृष्टि से देखते हैं तो 2r के इक्वल में आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर के बेस पे आता है, परिधि के बेस पे देखते हैं तो 2πr के बेसिस पे आता है। क्लियर, तो जब भी आप लोग इस चीज को देखोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल की दृष्टि से देख सकते हैं, वृत्त की परिधि के बेस पे देख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल की दृष्टि से देख सकते हैं, वृत्त की परिधि, का व्यास, वृत्त की त्रिज्या के बेस पे आप लोग ये सारी चीज को कंटेंट को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप फार्मूला के माध्यम से भी आप लोग इस चीज को याद कर सकते हैं, फार्मूला के माध्यम से भी आप लोग ये सारी चीज को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज दिया रहता है, सपोज कि आपके पास त्रिज्या मान लेते हैं कि आपके पास 7 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, 7 सेंटीमीटर है, अब यहां से आपको परिधि याद करनी है। ठीक, आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर परिधि के बेस पे 2πr का उपाय, यहाँ पर त्रिज्या के बेस पे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल के बेस हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, इंटू 7 इंटू 7, 7 7 से कटेगा तो यहाँ पर 7 2 14, 7 2 14 प्लस 115 ये हो जाएगा वो क्षेत्रफल का मात्रक, वर्ग होता है सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, इस तरीके से आएगा ये वृत्त का क्षेत्रफल के बेस पर रहेगा। तो आप लोग क्षेत्रफल इस तरीके से निकालोगे और यदि यहाँ पर क्षेत्रफल के बेस पे ये है तो ये इस चीज के बेस पे आ जाएगा, त्रिज्या के दृष्टि से रहता है तो यहाँ पर हो जाता है परिधि के बेस पे रहता है तो 2πr के बेस पे आता है, परिधि के बेस में 2 × 22/7 × 7 हो जाएगा, ये कटेगा तो 44 के बेस पे आएगा। क्लियर, परिधि के बेस पे रहेगा। तो ये सारे कंटेंट को आप लोग याद रखना है भाई कि त्रिज्या की दृष्टि से क्या होता है, परिधि की दृष्टि से क्या होता है, वृत्त का व्यास की दृष्टि से क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होता है। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज होता है, ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से याद करते हुए चले जाना है, याद रखना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग इस चीज को देखते हैं, वृत्त का व्यास के बेस में देखते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग जब इस चीज को सॉल्व करते जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास जो बेसिस चीज होता है उस चीज को भी जानना हमारे पास जरूरी होता है। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग एक चीज को जानते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास ये जो त्रिभुज के माध्यिका के बेस में हमारे पास जो होती है, ये जो आपका त्रिभुज है, ठीक है, अब इस त्रिभुज के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, हमारे पास त्रिभुज के माध्यम से ये सारी चीज आती है, ये कंटेंट के हिसाब से ये आती है, ये आपका इस तरीके से मिल जाती है, देखिए, ठीक है। जैसे त्रिभुज की दृष्टि से हम लोग क्या क्या को देखते हैं, शीर्ष को देखते हैं, भुजा को देखते हैं, कोण को देखते हैं, ठीक है,
यहाँ से। तो शीर्ष के बेस पे क्या होता है, भुजा के बेस पे क्या होता है और कोण के बेस पे क्या होता है, ये तीनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। जैसे शीर्ष अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का पी क्यू के बेस पे है, ये पी है और ये क्यों है और ये आर के बेसिस पे है, ठीक है, पी क्यू आर के बेसिस पे है। तो शीर्षक के लिए हम लोग देखेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। और अगर भुजा के दृष्टि से देखेंगे तो ये आप लोगों का पी क्यू हो जाएगा, ये क्यू आर हो जाएगा, ये पी आर हो जाएगा। अगर कोण के दृष्टि से देखेंगे तो एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर ये हो जाएगा, क्लियर। तो इस कंटेंट से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो शीर्ष के दृष्टि से पी क्यू आर के बेसिस पे हो जाएगा, भुजा के दृष्टि से देखेंगे तो पी क्यू क्यू आर और पी आर के दृष्टि से हो जाएगा, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर के बेस पे हमारे पास ये कोण के दृष्टि से हो जाएगा, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो शीर्ष के दृष्टि से पी क्यू आर के बेस होता है, भुजा की दृष्टि से पी क्यू आर और पी आर के बेस होता है, कोण की दृष्टि से देखते हैं तो एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर के दृष्टि से होता है। तो शीर्ष के माध्यम से हम लोग जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो पी के माध्यम से हमारे पास हो जाएगा, फिर क्यू के माध्यम से, फिर आर के माध्यम से। जब भुजा के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी क्यू क्यू आर और पी आर के माध्यम से हो जाएगा, और जब कोण के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर के बेसिस हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जिस तरीके से एक्सोसियंस का होता है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। अगर शीर्षों की बात करते हैं तो यहाँ पर पी शीर्ष, क्यू शीर्ष और आर शीर्ष है। यहाँ पर अगर शीर्ष की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं, पी क्यू आर, भुजा की बात करते हैं तो पी क्यू क्यू आर और पी आर, कोण की बात करते हैं तो एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर के बेसिस पे होता है, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो इस कंटेंट के मुताबिक भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो शीर्ष के हिसाब से हम लोग देखते हैं, अगर पी शीर्ष की बात करते हैं, किस शीर्ष की बात करते हैं, पी शीर्ष की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ होता है कि जब भुजा मिलता है तो शीर्ष बनता है, जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, जब भुजा मिलते हैं क्या बनता है, शीर्ष बनता है, जब शीर्ष मिलता है क्या बनता है, भुजा बनता है। तो उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं कि जब आप लोगों के पास पी शीर्ष कब बनेगा, जब पी क्यू भुजा मिलेगा और पी आर भुजा मिलेगा, पी क्यू भुजा मिलता है इससे पी आर भुजा से, पी आर भुजा से, तो पी और पी मिल करके ये क्या हो जाते हैं, पी शीर्ष बन जाते हैं, पी शीर्ष बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो कंटेंट के हिसाब से है, एक पी क्यू भुजा के अनुसार है, एक पी आर भुजा के अनुसार है, पहला पी क्यू आर तो एक पी के अनुसार है, दूसरा क्यू के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के बेस पे हमारे पास है, पी क्यू आर के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास भुजा में पी क्यू भुजा क्यू आर भुजा पी आर भुजा हो जाएगा, कोण की दृष्टि से देखेंगे तो कोण पी कोण क्यू कोण आर के बेस हो जाएगा। तो इस एंगल के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो जैसे कि शीर्ष के अनुसार से हमारे पास पी शीर्ष है, क्यू शीर्ष है, आर शीर्ष है, पी शीर्ष है, क्यू शीर्ष है, आर शीर्ष है, पी शीर्ष के बेस पे पी क्यू भुजा हो जाएगा और पी आर भुजा, जब पी क्यू भुजा पी आर भुजा से मिलता है तब पी शीर्ष का निर्माण होता है। पी शीर्षक निर्माण कब होता है, जब पी क्यू भुजा पी आर भुजा से मिलता है तब पी शीर्षक का निर्माण होता है। अगर यहां से मैं बोल दूं कि क्यू शीर्षक निर्माण कैसे होता है, क्यों शीर्षक का निर्माण कैसे होता है, तो क्यों शीर्षक निर्माण कब होगा, जब पी क्यू भुजा, जब पी क्यू भुजा मिल जाएगा क्यू आर भुजा से, जब पी क्यू भुजा मिल जाएगा किससे, क्यू आर भुजा से, जब पी क्यू मिल जाएगा क्यू आर भुजा से, तब यहाँ से क्या शीर्ष बन जाएगा भाई, क्यू शीर्ष, यहाँ से क्या बन जाएगा, क्यू शीर्ष, ठीक है। तो शीर्षक माध्यम से हमारे पास पी शीर्ष होता है, क्यों शीर्ष होता है, आर शीर्ष होता है। शीर्षक माध्यम से हमारे पास क्या होता है, पी शीर्ष होता है, क्यों शीर्ष होता है, आर शीर्ष होता है। तो पी शीर्ष के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पी क्यू भुजा मिल जाता है पी आर भुजा से, जब पी क्यू भुजा मिल जाता है किससे, पी आर भुजा से, तब पी शीर्ष बनता है। और क्यों शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो जब पी क्यू भुजा मिल जाता है क्यू आर भुजा से, जब पी क्यू भुजा मिल जाता है क्यू आर भुजा से, तब क्या बनता है, क्यों शीर्ष बनता है। तो पी शीर्ष कब बनेगा, जब पी क्यू भुजा मिलेगा पी आर भुजा से, तब पी शीर्ष बनेगा। क्यों शीर्ष कब बनता है, जब पी क्यू भुजा मिलता है क्यू आर भुजा से, तब क्यों शीर्ष बनता है, क्लियर। तो पी शीर्ष के बेस से हम लोग जब इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है,
पी शीर्षक माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये होता है कि जब पी क्यू भुजा मिल जाता है पी आर भुजा से, जब पी क्यू भुजा मिल जाता है आपके पास पी आर भुजा से, जब पी शीर्षक निर्माण कब होता है, जब पी क्यू भुजा मिलता है पी आर भुजा से तब पी शीर्षक बनता है। और क्यू शीर्षक के वैसे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो कब बनता है, जब पी क्यू भुजा मिलता है क्यू आर भुजा से, जब पी क्यू भुजा मिलता है किससे क्यू आर भुजा से, जब पी क्यू भुजा मिलता है किससे क्यू आर भुजा से, जब पी क्यू भुजा मिलता है, यहां से देखिए जब पी क्यू भुजा मिल जाता है किससे क्यू आर भुजा से, तब यहां से हमारे पास क्या बनता है क्यू शीर्षक बनता है। और जब पी क्यू भुजा मिल जाता है पी आर भुजा से तो यहां से क्यू शीर्षक बनता है, ठीक है। और जब आर शीर्षक की बात करते हैं, आर शीर्षक की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर शीर्षक की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, आर शीर्षक की बात करेंगे तो यहाँ पर आर शीर्षक कब बनेगा, जब क्यू आर भुजा, जब क्यू आर भुजा मिलेगा, क्यू आर भुजा मिलेगा पी आर भुजा से, किससे मिलेगा पी आर भुजा से, तब यहाँ से क्या मिलेगा आर शीर्षक मिलेगा, क्या मिलेगा आर शीर्षक। ठीक है, यहाँ से जब पी क्यू भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब पी शीर्षक, जब पी क्यू भुजा मिलेगा क्यू आर भुजा से तब क्यू शीर्षक, और जब क्यू आर भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब आर शीर्षक बनता है। ठीक है, तो शीर्षक की दृष्टि से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास शीर्षक के माध्यम से तीन शीर्षक हैं, पी है, एक क्यू है, एक आर है। पहला पी के बेसिस पे है, दूसरा क्यू के बेसिस पे है, तीसरा आर के बेसिस पे है। पहला किसके बेसिस पे है, पी के बेसिस पे, दूसरा क्यू के बेसिस पे, तीसरा आर के बेसिस पे। पहला पी के बेसिस पे है, दूसरा क्यू के बेसिस पे है, तीसरा आर के बेसिस पे। पहला किसके बेसिस पे, पी के बेसिस पे, दूसरा क्यों के बेसिस पे, तीसरा आर के बेसिस पे। तो जब पी शीर्षक निर्माण होता है तो पी शीर्षक के वैसे जब हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या होता है, जब पी क्यू भुजा मिल जाता है पी आर भुजा से, भाई जब पी क्यू भुजा किससे मिल जाता है पी आर भुजा से, तब पी शीर्षक निर्माण होता है क्यों शीर्षक, जब पी क्यू भुजा मिल जाता है क्यू आर भुजा से तब क्यों शीर्षक निर्माण होता है। और आर शीर्षक निर्माण कब होता है, जब क्यू आर भुजा मिल जाता है पी आर भुजा से तब आर शीर्षक का निर्माण होता है। तो पी शीर्षक निर्माण, पी क्यू भुजा जब पी आर भुजा से मिलता है तो पी शीर्षक बनता है क्यों शीर्षक, जब पी क्यू भुजा मिल जाता है क्यू आर भुजा से तब क्यों शीर्षक, आर शीर्षक जब क्यू आर भुजा मिल जाता है पी आर भुजा से तब आर शीर्षक बनता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं, ये सारे चीज को हम लोग यहां से जान सकते हैं। तो जब पी की बात करते हैं, जब किस भुजा की बात करते हैं, जब पी भुजा की बात करते हैं, भाई जब हम लोग किस भुजा की बात करते हैं, पी भुजा की बात, पी शीर्षक की बात करते हैं, तो पी क्यू भुजा और पी आर भुजा पी शीर्षक कहलाती है। क्यू शीर्षक में पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा क्यू शीर्षक कहलाती है। और आर शीर्षक जब क्यू आर भुजा पी आर भुजा से मिलता है तब आर शीर्षक कहलाती है। ठीक है, तो पी शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो पी क्यू भुजा हो जाएगा प्लस पी आर भुजा हो जाएगा, ये पी शीर्षक के माध्यम से कहलाएगा। क्यू शीर्षक जब एक पी क्यू भुजा क्यू आर भुजा से मिलेगा तो क्यू शीर्षक कहलाएगा। और आर शीर्षक जब ये क्यू आर भुजा पी आर भुजा से कहलाएगा तब ये आर शीर्षक कहलाएगा। तो पी शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो पी क्यू भुजा पी आर भुजा से मिलेगा तो पी शीर्षक कहलाता है। क्यू शीर्षक कब कहलाएगा, जब पी क्यू भुजा क्यू आर भुजा से मिलेगा तो वह क्यू शीर्षक कहलाएगा, जब क्यू आर भुजा पी आर भुजा से मिलेगा तो वह आर शीर्षक कहलाएगा। क्या शीर्षक कहलाएगा, आर शीर्षक कहलाएगा। तो पी शीर्षक निर्माण कब हो जाएगा, तो पी शीर्षक का निर्माण जब पी क्यू मिलेगा पी आर से, जब पी क्यू किससे मिलेगा पी आर से, जब पी क्यू मिलेगा पी आर से तब पी शीर्षक निर्माण होता है। और जब पी क्यू मिलेगा क्यू आर से तब क्यू शीर्षक निर्माण होता है, जब क्यू आर मिलता है पी आर से तब आर शीर्षक निर्माण होता है। ठीक है, तो पी शीर्षक निर्माण कब होगा, जब पी क्यू भुजा मिल जाएगा पी आर से तब पी शीर्षक बनेगा। क्यू शीर्षक कब बनेगा, जब पी क्यू भुजा मिलेगा क्यू आर भुजा से तब क्यू शीर्षक मिलेगा। आर शीर्षक कब बनता है, जब क्यू आर भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब आर शीर्षक निर्माण होता है। पी शीर्षक निर्माण, पी क्यू भुजा जब पी आर से मिलता है तो पी शीर्षक, क्यू शीर्षक जब पी क्यू भुजा मिलता है क्यू आर भुजा से तो क्यू शीर्षक, आर शीर्षक जब क्यू आर भुजा मिलता है पी आर भुजा से तब आर शीर्षक बनता है। तो पी शीर्षक पी क्यू भुजा पी आर से मिलेगा तो पी शीर्षक, क्यू शीर्षक पी क्यू भुजा मिलेगा क्यू आर भुजा से तो क्यू शीर्षक, आर शीर्षक क्यू आर भुजा मिलेगा आपके पी आर भुजा से तो आर शीर्षक। ठीक है, तो पी शीर्षक निर्माण कब होगा, जब
पी क्यू भुजा मिलेगा कि पी आर भुजा से, तब पी शीर्षक निर्माण होगा। क्यों शीर्षक निर्माण कब होगा, जब पी क्यू भुजा मिलेगा क्यू आर भुजा से, तब क्यों शीर्षक निर्माण होगा। आर शीर्षक निर्माण कब होगा, जब क्यू आर भुजा पी आर भुजा से मिलेगा, तब आर शीर्षक का निर्माण होगा। तो पी शीर्षक निर्माण पी क्यू भुजा जब मिलेगा पी आर भुजा से, तब पी शीर्षक मिलेगा, पी शीर्षक बनता है। और क्यों शीर्षक निर्माण कब होता है, जब पी क्यू भुजा मिलता है क्यू आर भुजा से, तब क्यों शीर्षक निर्माण होता है। आर शीर्षक, जब क्यू आर भुजा मिलता है पी आर भुजा से, तब आर शीर्षक का निर्माण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पी के पी शीर्षक बेस पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरा क्यू शीर्षक के बेस पे देख सकते हैं, और तीसरा देख सकते हैं यहाँ पर आर शीर्षक के बेस पे देख सकते हैं। तीसरा किसके बेस पे देख सकते हैं, आर शीर्षक के बेस पे देख सकते हैं। तो हम लोग इसको पी के बेस पे भी देख सकते हैं, क्यू के बेस पे देख सकते हैं, आर के बेस पे देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए P के बेस पे क्या होता है इस चीज को देखते हैं, R के बेस पे क्या होता है इस चीज को देखते हैं, और Q के बेस पे क्या होता है ये चीज को देखते हैं। ठीक है, तो P Q R के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो P शीर्षक के बेस पे ये हो जाएगा, Q के बेस पे ये हो जाएगा, R के बेस पे हमारे पास ये शीर्षक हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास यही आता है कि जब त्रिभुज का निर्माण होता है आपके पास, जब किसका निर्माण होता है यहाँ पर, अगर आप लोगों का त्रिभुज का जो निर्माण होता है ट्राइंगल का, यहाँ पर ट्राइंगल के बेस हमारे पास ये जो निर्माण होगा, इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज आती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये कंटेंट आएगा, और इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये कंटेंट आ जाएगा भाई। क्लियर। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को भी देख सकते हैं, और इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग ये सारी चीज को भी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पी क्यू आर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, ये आपका P के बेस पे है, तो आपका ये Q के बेस पे है, तो ये आपका R के बेस पे है। क्लियर। उसी कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो ये आप लोगों का क्यू आर के बेस पे हो जाता है, और ये आप लोगों का पी आर के बेस पे हो जाता है, और ये आप लोगों का पी क्यू के बेस पे हो जाता है। ये किसके बेस हो जाता है, पी क्यू के बेस पे हो जाता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो एक पी एक क्यू एक आर हो जाता है, तो एक पी क्यू एक पी आर एक क्यू आर के बेसिस हो जाता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग ये सारे चीज को सॉल्व करते हैं इस कंटेंट के मुताबिक, तो यहाँ पर आ जाता है। अब एंगल के बेस पे देखते हैं, तो यहाँ पर एंगल क्यू के बेसिस पे आ जाता है, यहाँ पर देखते हैं तो एंगल आर के बेसिस पे आ जाता है, और यहाँ पर देखते हैं तो एंगल पी के बेसिस पे आ जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर शीर्षों की बात करते हैं, या भुजाओं की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, या शीर्षों की बात करते हैं, या फिर किसकी बात करते हैं, भुजाओं की बात करते हैं। या तो भुजा के माध्यम से होता है, या शीर्षों के माध्यम से होता है। किसके किसके माध्यम से होता है, या तो भुजा के माध्यम से होता है, या शीर्ष के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के मुताबिक जब हम दोनों चीज़ों को सॉल्व करते जाते हैं कि एक पी क्यू के बेस पे होता है, तो एक क्यू आर के बेस होता है, तो एक पी आर के बेस होता है। एक पी क्यू की दृष्टि से होता है, तो एक क्यू आर की दृष्टि से होता है। एक किसके दृष्टि से होता है, पी आर की दृष्टि से होता है। तो पी क्यू आर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के मुताबिक आता है, ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अगर दो भुजा मिलते हैं तो एक शीर्षक निर्माण होता है, उसी प्रकार अगर दो शीर्ष मिलते हैं तो एक भुजा का निर्माण होता है। ठीक है, अगर भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है। भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, और शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। ठीक है, तो एक हिसाब से अगर भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। तो एक में भुजा बन रहा है तो दूसरा में शीर्ष बन रहा है, एक में शीर्ष बन रहा है तो दूसरा में भुजा बन रहा है। तो एक में भुजा बनेगा तो दूसरे में शीर्ष बनेगा, दूसरे में शीर्ष बनेगा तो पहले में भुजा बनेगा। तो जब भुजाओं का संयोग होता है तो शीर्ष बनता है, जब शीर्षों का संयोग होता है तो क्या बनता है, भुजा बनता है। जब दोनों भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव रहता है तब कोण का निर्माण होता है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश का होता है, जिसमें से तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश का होता है। इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। अब यहाँ पर शीर्ष के वैसे हम लोग जो चीज देखे हैं भाई, कि यदि शीर्ष के अनुसार हमारे पास ये जो चीज कंटेंट के हिसाब से होता है, हमारे पास ये जो शीर्ष के अनुसार हमारे पास इस चीज को देखते हैं, जब शीर्ष के वैसे हम लोग इस को देखते हैं और किसके दृष्टि से देखते हैं, पहला शीर्षक के बेस पे है, दूसरा होता है हमारे पास भुजा के बेस पे होता है, और तीसरा जो कंटेंट होता है वो होता है हमारे पास कोण के बेस पे। किस बेस पे होता है, कोण के बेस पे होता है हमारे पास। किस बेस पे होता है, कोण के बेस पे होता है। तो एक शीर्षक के माध्यम से होता है भुजा, एक कोण। तो शीर्षक के माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर शीर्षक के माध्यम से पी शीर्ष है, क्यू शीर्ष है, आर शीर्ष है। ठीक है, अगर भुजा के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास पी क्यू भुजा होता है, और क्यू आर भुजा होता है, और क्या होता है, पी आर भुजा होता है। अगर कोण की दृष्टि से देखते हैं तो कोण पी होता है, कोण क्यू होता है, और क्या होता है, कोण आर होता है। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से। ठीक है,
तो शीर्ष के अनुसार से आपके पास कितने शीर्ष हो गए, तीन शीर्ष हो गए। अब तीनों शीर्ष की अगर हम लोग बात करते हैं भाई, अगर तीनों शीर्ष की हम लोग बात करते हैं तो उस कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, ये पी के बेस पे आ जाएगा, ये आप लोगों के क्यू के बेस पे आ जाएगा, ये आप लोगों के आर के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू भुजा के बेस पे आ जाएगा, ये क्यू आर भुजा के बेस पे आ जाएगा, और ये पी आर भी भुजा के बेस पे आपके पास आ जाएगा। एंगल की बात करेंगे तो कोण पी पहला के बेस हो जाएगा, दूसरा कोण क्यू के बेस हो जाएगा, तीसरा कोण आर के बेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखेंगे तो ये आप लोगों का कोण की दृष्टि से है, ये आप लोगों की भुजा की दृष्टि से है, ये आप लोगों की शीर्ष की दृष्टि से है। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग जब इस चीज को सॉल्व करते हैं हमारे पास ये सारे चीज आते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये चीज आ गया। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम भी हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमारे पास शीर्ष में पी क्यू आर है, कितने शीर्ष हो गए, त्रिभुज के अंतराल में हमारे पास तीन शीर्ष हो गए, एक पी के बेस हो जाएगा, दूसरा क्यू के बेस हो जाएगा, तीसरा आर के बेस हो जाएगा। एक पी के बेस हो जाएगा, दूसरा क्यू के बेस हो जाएगा, एक आर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग पी के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग क्यू के बेसिस पे देखते हैं, एक को हम लोग आर के बेसिस पे देखते हैं। तो शीर्ष के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक पी शीर्ष होता है, दूसरा क्यू शीर्ष होता है, एक आर शीर्ष होता है। ठीक है, अगर त्रिभुज में आप लोग जिसका भी नाम डिनोट करोगे वो आप लोगों का शीर्षों बेस हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी के बेस पे, एक्स वाई जेड के बेस पे, या फिर पी क्यू आर के बेस पे, एल एम एन के बेस पे, किसी भी तरीके से ई एफ जी के बेस पे, इस तरीके से आप कोई भी कंटेन या कोई भी नेम डिनोट कर सकते हैं। तो शीर्ष के अनुसार से हमारे पास क्या होता है, पी क्यू आर। शीर्ष के अनुसार से हम लोग देखते हैं क्या होता है, पी क्यू आर होता है। शीर्ष अनुसार से क्या होता है, पी क्यू आर। भुजा की दृष्टि से देखते हैं तो पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा, पी आर भुजा। कोण की दृष्टि से देखते हैं तो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर। कोण की दृष्टि से कोण पी, कोण क्यू, कोण आर। भुजा की दृष्टि से पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा, पी आर भुजा। शीर्ष की दृष्टि से पी शीर्ष, क्यू शीर्ष, आर शीर्ष। शीर्ष की दृष्टि से पी शीर्ष, क्यू शीर्ष, आर शीर्ष। भुजा की दृष्टि से पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा, पी आर भुजा। कोण की दृष्टि से कोण पी, कोण क्यू, कोण आर होता है। कोण की दृष्टि से देखते हैं तो कोण पी होता है, कोण क्यू होता है, कोण आर होता है। भुजा की दृष्टि से देखते हैं तो पी क्यू भुजा होता है, क्यू आर भुजा होता है, पी आर भुजा होता है। शीर्ष की दृष्टि से देखते हैं तो पी शीर्ष होता है, क्यू शीर्ष होता है, आर शीर्ष होता है। शीर्ष की दृष्टि से देखते हैं तो पी शीर्ष, क्यू शीर्ष, आर शीर्ष। भुजा की दृष्टि से पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा, पी आर भुजा। कोण की दृष्टि से कोण पी, कोण क्यू, कोण आर। कोण की दृष्टि से कोण पी, कोण क्यू, कोण आर। भुजा की दृष्टि से पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा, पी आर भुजा। शीर्ष की दृष्टि से पी शीर्ष, क्यू शीर्ष, आर शीर्ष। शीर्ष की दृष्टि से पी शीर्ष, क्यू शीर्ष, आर शीर्ष। भुजा की दृष्टि से पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा, पी आर भुजा। कोण की दृष्टि से एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो इस चीज को हम लोग जब भी इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या क्या चीज आते जाते हैं, इस सारी चीज को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। तो अगर हम लोग टॉप के बेस, अगर शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो शीर्षों के अनुसार से हमारे पास जो कंटेंट होता है वह आप लोगों का पी के बेस पे होता है, एक क्यू के बेस पे होता है, एक आर के बेस होता है। ठीक है, तो अगर शीर्षों की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीन शीर्ष है क्रमानुसार। तो तीनों शीर्ष की बात करेंगे तो पहला शीर्ष का नाम हो जाएगा पी भाई साहब, और दूसरा का हो जाएगा क्यू, और तीसरा का हो जाएगा भाई आर। क्लियर, तो शीर्ष के अनुसार से ये हो जाएगा। जब भुजाओं का संयोग होता है तो शीर्ष बनता है, और जब शीर्षों का संयोग होता है तब भुजा बनता है। मतलब भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। तो ये आप लोगों का जो एक्सरसाइज के बेस में है ये बेसिकली चीज, इस चीज को जानना है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रमेय के बेसिस में अगर ये आप लोग डेफिनेशन के बेस पे इस चीज को नहीं जानेंगे तो फिर आगे चल करके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो शीर्ष के बेस हमारे पास एक एंगल पी के बेस पे, एक पे पी के बेस पे हो जाएगा, शीर्ष के बेस पे एक क्यू के बेस पे होता है, एक आर के बेसिस होता है। भुजा की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे पास एक पी क्यू भुजा होता है, दूसरा एक क्यू आर भुजा के बेस पे होता है, तीसरा पी आर भुजा के बेस पे होता है। अगर तीसरा देखते हैं कोण की दृष्टि से तो एंगल कोण के, एंगल पी के बेस पे होता है, एंगल क्यू के बेस पे होता है, एंगल आर के बेस पे होता है। एक आपका लोगों का एंगल पी के बेस होता है, एक एंगल क्यू के बेस होता है, एंगल आर के बेस होता है। अगर शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो पी क्यू आर के बेसिस होता है, भुजा के माध्यम से देखते हैं तो पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा, पी आर भुजा के माध्यम से होता है। कोण की दृष्टि से देखते हैं तो एंगल पी होता है, एंगल क्यू होता है, एंगल आर होता है भाई। तो पी क्यू आर के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो भुजा का संयोग से शीर्ष बनता है, शीर्षों के संयोग से भुजा बनता है, और भुजाओं के संयोग से शीर्ष बनता है, शीर्षों के संयोग से भुजा बनता है, और भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है उनके संयोग से क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, तो कोण के बेस से आप लोग इसके अंतर्गत में कोण बहुत सारे होंगे। तो कोण में आप लोगों के न्यून कोण के बेसिस पे आएगा, कि सम कोण के बेसिस पे आएगा, कि अधिक कोण के बेसिस पे आएगा, कि बृहद कोण के बेसिस पे आएगा, कि शून्य कोण के बेसिस पे आएगा, कि पूर्ण कोण के बेसिस पे आएगा, किस कोण के बेसिस पे आएगा, कि पूरा कोण है, कि संपूरक कोण है, क्या सभी कोण है, ये सभी चीज की जानकारी आप लोगों की होनी चाहिए। क्लियर, तो शीर्ष के अनुसार से हमारे पास क्या हो गया, पी शीर्ष,
क्यू शीर्षा आर शीर्षा, भुजा की दृष्टि से पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा, पी आर भुजा, कोण की दृष्टि से एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर, शीर्ष की दृष्टि से पी क्यू आर, भुजा की दृष्टि से पी क्यू क्यू आर पी आर, कोण की दृष्टि से एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर, तो पी क्यू भुजा क्यू आर भुजा पी आर भुजा, तो पहला पी क्यू भुजा, दूसरा क्यू आर भुजा, तीसरा पी आर भुजा हो जाएगा, तो पहला पी क्यू भुजा हो जाएगा, दूसरा पी आर भुजा हो जाएगा, तीसरा क्यू आर भुजा के बेसिस पर हो जाएगा। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो पहला शीर्षक अनुसार से हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी शीर्षक के बेस, पी और क्यू शीर्षक के बेस को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू भुजा, और की और आर शीर्षक मिलाएंगे तो क्यू आर भुजा, पी और आर को मिलाएंगे तो पी आर भुजा हो जाएगा। तो इस प्रकार शीर्षक के माध्यम से हमारे पास कितना हो जाएगा, एक पी शीर्षक के माध्यम से होगा तो दूसरा क्यू शीर्षक के माध्यम से होगा तो तीसरा आर शीर्षक के माध्यम से होगा। भुजा के बेस पे देखेंगे तो एक पी क्यू भुजा के बेस पे होगा, दूसरा क्यू आर भुजा के बेस पे होगा, तीसरा पी आर भुजा के बेस पे होगा। कोण की दृष्टि से देखेंगे तो कोण पी के बेस पे हो जाएगा, एक कोण क्यू के बेसिस पे हो जाएगा, एक कोण आर के बेसिस पे हो जाएगा। तो जब हम लोग पी जब क्यू के साथ संयोग करता है तो पी क्यू भुजा बनता है, जब क्यू आर के साथ संयोग करता है तो क्यू आर भुजा बनता है, जब पी आर के साथ करता है तो पी आर भुजा बनता है। ठीक है, इस तरीके से शीर्षों का शीर्ष जब मिलते हैं तो भुजाओं का निर्माण होता है, भुजा जब मिलते हैं तो शीर्षों का निर्माण होता है। अब यहां पर बात आती है कि कितने शीर्ष मिलते हैं तो कितने भुजा बनते हैं, तो दो शीर्ष मिलेंगे तो एक भुजा बनेगा भाई। अगर दो शीर्ष पहला पी शीर्ष दूसरा क्यू शीर्ष से मिलेगा तो एक भुजा पी क्यू बनेगा। उसी प्रकार दो भुजाओं के संयोग से एक शीर्ष बनता है। ठीक है, पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा जब आपस में मिलेंगे तो क्या का निर्माण होगा, क्यू शीर्ष का निर्माण होगा। तो दो भुजाओं के मेल से आप लोगों का शीर्ष बनता है, दो शीर्षों के मेल से आप लोगों का क्या बनता है, भुजा बनता है। तो एक में भुजा का निर्माण होता है, भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनता है, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनता है, और दोनों भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है वह कोण के बराबर होता है। क्लियर, तो इस तरीके से शीर्ष में हम लोग पी क्यू आर के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज को देखें, किसके बेसिस पे देखें भाई, जब पी क्यू आर के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखें। क्लियर, इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग जब इस चीज को देखें तो पी शीर्षक निर्माण कब हुआ, पी के बेस पे, पी शीर्षक जो हमारे पास था, पी शीर्षक निर्माण कब हुआ, तो पी शीर्षक निर्माण क्या होता है, जब हमारे पास पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू भुजा मिलता है, पी क्यू भुजा मिलता है, और कौन सा भुजा मिलता है, पी आर भुजा मिलता है, पी आर भुजा मिलता है। ठीक है, पी क्यू भुजा पी आर भुजा से मिलता है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या बनता है, पी शीर्ष बनता है। ठीक है, क्या शीर्ष बनता है, पी शीर्ष बनता है। तो पी क्यू के बेस पे एक है, पी आर के बेस पे एक है, क्यू आर के बेस पे एक है, एक पी क्यू के बेस पे है, एक क्यू आर के बेस पे है, एक पी आर के बेस पे है, एक पी क्यू के बेस पे है, क्यू आर के बेस पे है, एक पी आर के बेस पे है। तो पी शीर्षा जब पी क्यू भुजा मिलता है पी आर भुजा से, जब पी क्यू भुजा मिलता है पी आर भुजा से, जब पी क्यू भुजा मिलता है पी आर भुजा से, जब पी क्यू भुजा मिलता है किससे, पी आर भुजा से, तब पी शीर्षा कहलाता है। जब पी शीर्ष मिलता है, पी क्यू भुजा जब मिलता है पी आर भुजा से, तब क्या कहलाता है, पी शीर्षक कहलाता है। जब पी क्यू भुजा किससे मिलता है, पी आर भुजा से, यहां से देखो, जब पी क्यू भुजा मिलता है पी आर भुजा से, तब पी शीर्षक कहलाता है या पी शीर्षक बनता है। किससे मिलता है, तो जब पी शीर्षक कब कहलाता है, जब पी क्यू भुजा मिलेगा पी आर भुजा से, तब पी शीर्षक के बेसिस पे हो जाएगा। और जब हम लोग इस चीज को देखते हैं क्यू शीर्षक के बेस पे, किस बेस पे देखते हैं, क्यू शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, क्यू शीर्षक के बेस पे देखते हैं, तो क्यू शीर्षक के अनुसार हमारे पास क्या आ जाएगा, जब पी क्यू भुजा भी मिलेगा, जब पी क्यू भुजा मिल जाता है भाई यहाँ पर, जब पी क्यू भुजा मिल जाएगा यहाँ से क्यू आर भुजा से, किससे मिल जाएगा, क्यू आर भुजा से, किससे मिल जाएगा भाई, क्यू आर भुजा से। मतलब यहाँ पर देखिए क्यू क्यू से मिल रहा है, तभी तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, क्यू शीर्षों का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा, क्यू शीर्षक यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो पी शीर्षक पी क्यू भुजा पी आर भुजा से मिलेगा तो पी शीर्षा, क्यू शीर्षा का निर्माण जब पी क्यू भुजा मिलता है क्यू आर भुजा से, तब क्यू शीर्षा। ठीक है, तो शीर्षा के माध्यम से हम लोग एक पी के माध्यम से देखते हैं, दूसरा क्यू के माध्यम से देखते हैं, एक आर के माध्यम से देखते हैं, एक पी के माध्यम से देखते हैं, क्यू के माध्यम से देखते हैं, एक आर के माध्यम से देखते हैं। तो पी शीर्षा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो जब पी क्यू भुजा मिलता है पी आर भुजा से, तब पी शीर्षक निर्माण होता है। जब क्यू शीर्षक निर्माण कब होता है, जब पी क्यू भुजा मिलता है क्यू आर भुजा से, तब क्यू शीर्षक का निर्माण होता है। पी शीर्षक निर्माण कब होता है भाई, पी क्यू
भुजा जब पी आर भुजा से मिलता है, पी क्यू भुजा जब पी आर भुजा से मिलता है, ठीक है, पी क्यू भुजा जब पी आर भुजा से मिलता है तब पी शीर्षक निर्माण होता है, और क्यू शीर्षक निर्माण कब होगा, जब पी क्यू भुजा मिलेगा क्यू आर भुजा से तब क्यू शीर्षक निर्माण होगा, पी शीर्षक निर्माण कब होता है, जब पी क्यू भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब पी शीर्षक निर्माण होता है, क्यू शीर्षक निर्माण कब होता है, जब पी क्यू भुजा मिलता है क्यू आर भुजा से तब क्यू शीर्षक निर्माण होता है। अब इसके बाद है आर शीर्षक निर्माण, आर शीर्षक निर्माण किस बेसिस पे होता है, इस चीज को देखिए भाई, आर शीर्षक का निर्माण किस बेसिस पे होता है, तो आर शीर्षक निर्माण हो जाएगा जब क्यू आर भुजा, जब क्यू आर भुजा भाई, जब क्यू आर भुजा, जब क्यू आर भुजा मिलता है किससे भाई, जब क्यू आर भुजा मिलता है किससे भाई, पी आर भुजा से, किससे भाई, पी आर भुजा से, किससे भाई, पी आर भुजा से, तब यहाँ पर क्या बनता है, आर शीर्ष बनता है, क्या शीर्ष बनता है, आर शीर्ष बनता है, क्या शीर्ष बनता है, तो आर शीर्षक बनता है, ठीक है। तो पी शीर्षक के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास क्या जाता है भाई, पी शीर्षक के लिए जब पी क्यू भुजा मिल रहा है पी आर भुजा से तो पी शीर्षा, जब क्यू शीर्षा पी क्यू भुजा मिल रहा है क्यू आर भुजा से तब क्यू शीर्षा, आर शीर्षा जब क्यू आर भुजा मिल रहा है पी आर भुजा से तब आर शीर्षा के बेस पे हो जाता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखेंगे, पी शीर्षा तो पी क्यू भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब पी शीर्षा, क्यू शीर्षक निर्माण जब पी क्यू भुजा मिलेगा क्यू आर भुजा से तब क्यू शीर्षा, आर शीर्षक निर्माण जब क्यू आर भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब आर शीर्षक निर्माण होगा, तो पी शीर्षक निर्माण जब पी क्यू भुजा मिलेगा क्यू आर भुजा से तो पी शीर्षक निर्माण होगा, क्यू शीर्षक निर्माण जब पी क्यू भुजा मिलेगा क्यू आर भुजा से तब क्यू शीर्षक निर्माण, आर शीर्षक निर्माण जब क्यू आर भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब आर शीर्षक निर्माण हो जाएगा। तो एक आप लोगों का पी क्यू आर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो पी जब क्यू से मिलता है तो पी क्यू बनता है, जब क्यू आर से मिलता है तो क्यू आर बनता है, जब पी आर से मिलता है तो पी आर बनता है, ठीक है। और पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा में जो क्षैतिज झुकाव होता है वह एंगल क्यू के बराबर होता है, क्यू आर भुजा पी आर भुजा में जो क्षैतिज झुका होता है वह आर के बराबर होता है, और पी क्यू भुजा पी आर भुजा में जो क्षैतिज झुका होता है वह कोण पी के बराबर होता है। तो शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज को देख लिए कि पी शीर्षक के बेस पे क्या होता है, क्यू शीर्षक के बेस पे क्या होता है, आर शीर्षक के बेस पे क्या होता है, ये सारी चीज को हम लोग यहां से देख लिए। तो पी शीर्षक के बेस पे क्या होता है, तो पी क्यू भुजा जब मिलेगा पी आर भुजा से तो पी शीर्षक निर्माण होता है, क्यू शीर्षक निर्माण कब होता है, जब पी क्यू भुजा मिलता है क्यू आर भुजा से तो क्यू शीर्षक निर्माण होता है, आर शीर्षक निर्माण जब क्यू आर भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब आर शीर्षक का निर्माण होगा, ठीक है। इसलिए भुजाओं के संयोग से शीर्षों का निर्माण होता है, शीर्षों के संयोग से भुजाओं का निर्माण होता है। तो एक में भुजा मिलते हैं तो एक में शीर्ष मिलता है, ठीक है, एक में शीर्ष मिलेगा तो दूसरे में भुजा मिलेगा, भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा, ठीक है। तो भुजाओं के संयोग से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं और शीर्षक के संयोग से हम लोग एक चीज को देख सकते हैं। तो क्यू जब पी से मिल रहा है भाई तो पी क्यू बन रहा है, क्यू जब आर से मिल रहा है तो क्यू आर बन रहा है, पी जब आर से बन रहा है तो पी आर बन रहा है, ठीक है, पी जब आर से बन रहा है तो पी आर बन रहा है, पी क्यू से बन रहा है तो पी क्यू बन रहा है, क्यू आर से बन रहा है तो क्यू आर बन रहा है। तो शीर्षक की दृष्टि से देखते हैं पी क्यू आर के बेसिस पे, तो पी शीर्षक के लिए पी क्यू भुजा पी आर भुजा से मिलेगा, क्यू शीर्षक की दृष्टि से पी क्यू भुजा जब क्यू आर से मिलेगा, और आर शीर्षक की दृष्टि से जब क्यू आर भुजा पी आर भुजा से मिलेगा, ठीक है। तो शीर्षक के निर्माण से हम लोग पी क्यू भुजा पी क्यू आर के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं, पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा के बेस पे देखते हैं, और पी आर भुजा और क्यू आर भुजा के बेस पे देखते हैं, तो पी क्यू से मिलेगा तो पी क्यू भुजा, पी आर से मिलेगा तो पी आर भुजा, पी आर से मिलेगा तो पी आर भुजा, या आर पी से मिलेगा तो फिर भी पी आर भुजा बनेगा, या क्यू पी से मिलेगा तो फिर भी पी क्यू भुजा बनेगा, या क्यू पी बोल सकते हो, क्यू आर से मिलेगा तो क्यू आर भुजा, आर क्यू से मिलेगा तो क्यू आर भुजा के हो जाएगी। इस तरीके से त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तो शीर्षों का निर्माण किस तरीके से हुआ यह समझ में आ गया। अब यहां पर देखते हैं भुजा के निर्माण के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज आता है भुजाओं के निर्माण के पास में, ठीक है। तो यहां से देखिए पी शीर्षक के संयोग में क्या हो गया, पी क्यू भुजा मिल गया पी आर भुजा से पी शीर्षक, क्यू शीर्षक पी क्यू भुजा मिल गया क्यू आर भुजा से तो क्यू शीर्षक। अब आर शीर्षक के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो क्यू आर भुजा मिल गया पी आर भुजा से तब ये आर शीर्ष बन गया, क्या शीर्ष बन गया, आर शीर्ष बन गया। तो पी क्यू पी आर से मिलेगा तो पी शीर्षक, पी क्यू क्यू आर से मिलेगा तो क्यू शीर्षक, क्यू आर पी आर से मिलेगा तो आर शीर्ष बनेगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है। जिसमें से अगर हम लोग बात करते हैं तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के बेस होता है, एक समबाहु त्रिभुज के बेस होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे हमारे पास होता है, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग ये सारी चीज को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो पी शीर्षक के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि पी क्यू भुजा पी आर भुजा से मिला तो पी शीर्षक, क्यू शीर्षक के लिए जब पी क्यू भुजा मिल गया क्यू आर भुजा से तो क्यू शीर्षक, जब आर
शीर्षक के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं, जब क्यू आर भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तो आर शीर्षक निर्माण होता है। क्लियर। तो पी शीर्षा पे आप लोगों का क्या हो गया, पी क्यू जब पी आर से मिला तो पी शीर्षा, पी क्यू जब क्यू आर से मिला तो क्यू शीर्षा, क्यू आर जब पी आर से मिला तो आर शीर्षा हो गया। अब आगे देखते हैं भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं भुजा के दृष्टि से देखते हैं, किसके दृष्टि से देखते हैं, यहाँ से हम लोग भुजा के दृष्टि से देखते हैं। ये आप लोगों के भुजा के दृष्टि से होता है, भुजा के दृष्टि से क्या क्या होता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। क्लियर। चलिए अब भुजा के दृष्टि से हम लोग इस चीज को यहाँ से देखते हैं। यहां से अगर पी क्यू भुजा का निर्माण के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं, पी क्यू भुजा नाम से स्पष्ट है, पी क्यू भुजा है तो यहाँ से क्या बनेगा, पी शीर्षा, पी शीर्षा किससे मिलेगा, क्यू शीर्षा से, पी शीर्षा मिलेगा क्यू शीर्षा से, तब यहाँ पर क्या बनेगा, पी क्यू भुजा बनेगा, क्या बनेगा, पी क्यू भुजा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू भुजा कब बनेगा, जब पी शीर्षा मिलेगा क्यू शीर्षा से, जब पी शीर्षा मिलेगा क्यू शीर्षा से तब पी क्यू भुजा बनेगा, जब पी क्यू भुजा कब बनेगा, जब पी शीर्षा मिलेगा क्यू शीर्षा से तब पी क्यू भुजा बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए पी किससे मिल रहा है, क्यू से मिल रहा है तो फिर भी पी क्यू भुजा बनेगा, अगर क्यू पी से भी मिलेगा तो फिर भी पी क्यू भुजा ही बनेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से पी शीर्षक निर्माण हमारे पास किस तरीके में हो गया, पी क्यू भुजा के बेस पे हो गया, एक पी आर भुजा के बेस पे हो गया, एक पी शीर्षक के बेस पे हो गया, एक क्यू शीर्षक के बेस पे हो गया, एक क्यू आर भुजा के बेस पे हो गया, एक क्यू शीर्षक के बेस हो गया, एक आर शीर्षक के बेस हो गया। ठीक है, तो पी शीर्षक के बेस पे देखिए तो पी क्यू भुजा एक हो जाएगा और एक हो जाएगा पी आर भुजा हो जाएगा, एक हो जाएगा पी क्यू भुजा, जब पी आर भुजा से मिलेगा तो पी शीर्षा बनता है, पी क्यू भुजा जब क्यू आर भुजा से मिलता है तो क्यू शीर्षा बनता है, आर शीर्षा जब क्यू आर भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब आर शीर्षा का निर्माण होता है। तो पी क्यू भुजा इक्वल हो जाएगा पी शीर्षा प्लस क्यू शीर्षा पी क्यू भुजा के बेस पे, और एक आप लोगों के पास क्या आता है दूसरा के बेस पे हमारे पास एक आ जाएगा पी क्यू आर के बेस पे। हम लोग इस चीज को देखते हैं तो पी शीर्षा के बेस होता है, एक क्यू शीर्षा के बेस होता है, एक आर शीर्षा के बेस होता है। तो पी क्यू भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, एक पी आर भुजा के बेस पे हो जाता है। तो पी क्यू भुजा जब पी आर भुजा से मिलेगा तो पी शीर्षा, पी क्यू भुजा जब क्यू आर भुजा से मिलेगा तो क्यू शीर्षा, और क्यू आर भुजा जब पी आर भुजा से मिलेगा तो आर शीर्षा। पी क्यू भुजा का निर्माण के बेस हम लोग इस चीज को देखेंगे तो पी शीर्षा जब मिलता है क्यू शीर्षा से, पी शीर्षा मिलता है जब क्यू शीर्षा से तब पी क्यू भुजा कहलाता है, पी शीर्षा मिलता है क्यू शीर्षा से तब पी क्यू भुजा कहलाता है, पी क्यू भुजा कब कहलाता है जब पी शीर्षा मिलता है क्यू शीर्षा से, जब पी शीर्षा मिलता है किससे क्यू शीर्षा से, जब पी शीर्षा किससे मिलता है क्यू शीर्षा से तब पी क्यू भुजा कहलाता है। ठीक है, पी शीर्षा मिलता है यहाँ से हमारे पास तब। ठीक है, तो पी शीर्षा मिलेगा पी क्यू भुजा प्लस पी आर भुजा, पी शीर्षा के बेस पे क्यू शीर्षा, पी क्यू भुजा मिलेगा क्यू आर भुजा के बेस पे तो क्यू शीर्षा, आर शीर्षा जब क्यू आर भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब आर शीर्षा कहलाता है, पी क्यू भुजा पी शीर्षा जब क्यू शीर्षा से मिलेगा तो पी क्यू भुजा कहलाता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्यू आर भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, क्यों आर भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, क्यों आर भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, क्यों आर भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर जब क्यों शीर्षा मिलेगा आर शीर्षा से, यहां से जब क्यों शीर्षा मिलेगा आर शीर्षा से, क्यों शीर्षा मिलेगा आर शीर्षा से, तब यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, क्यों आर भुजा बनेगा, क्या बनेगा, क्यों आर भुजा बनेगा, क्या बनेगा, क्यू आर भुजा बनेगा, क्यू आर भुजा बनेगा। तो यहाँ पर पी शीर्षा क्यों से मिला तो पी क्यू भुजा, क्यू शीर्षा आर से मिला तो क्यू आर भुजा बनेगा। क्यू आर का भुजा का निर्माण कब होता है, जब क्यू मिलता है आर के साथ, जब क्यू किसके साथ मिलता है, आर के साथ मिलता है भाई, जब क्यू किसके साथ मिलता है, आर के साथ मिलता है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्यू आर के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग ये चीज़ को जान सकते हो कि यदि पी शीर्षा मिलता है क्यू शीर्षक के साथ तो पी क्यू भुजा, यदि क्यू शीर्षा मिलता है आर शीर्षक के साथ तो क्यू आर भुजा के बेस से बनता है तो पी क्यू भुजा, जब पी शीर्षा मिलता है क्यू शीर्षा से तो पी क्यू भुजा, जब क्यू आर भुजा, जब क्यू शीर्षा मिलता है आर शीर्षा से तो क्यू आर भुजा बनता है। पी क्यू भुजा का निर्माण कब होता है, जब पी शीर्षा मिलता है क्यू शीर्षक के साथ तो पी क्यू भुजा बनता है क्यू आर भुजा, जब क्यू शीर्षा मिलता है आर शीर्षक के साथ तब क्यू आर भुजा बनता है। तो क्यू आर भुजा का निर्माण कब होता है, जब क्यू शीर्षा मिलता है आर शीर्षक के साथ तब क्यू आर भुजा का निर्माण होता है। और पी क्यू भुजा
भुजा का निर्माण कब होता है, जब पी शीर्ष मिलता है क्यू शीर्ष के साथ तब पी की भुजा का निर्माण होता है। तो एक में यहाँ पर देखिए दो शीर्ष मिल रहे हैं, एक पहला शीर्ष पी मिल गया हो गया, दूसरा शीर्ष क्यू हो गया। तो जब पहला शीर्ष पी क्यू से मिलता है तो पी की भुजा हो जाएगा, लेकिन वही अगर क्यू शीर्ष आर शीर्ष मिलता है तो वह हो जाता है क्यू आर शीर्ष हो जाता है। तो एक में पी क्यू भुजा, एक में क्यू आर भुजा हो जाएगा। अब तीसरा हम देखते हैं पी आर भुजा के माध्यम से देखते हैं, एक क्या होता है पी आर भुजा। अब पी आर भुजा के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर पी शीर्ष आता है भाई, यहाँ पर क्या आता है पी शीर्ष आता है, और यहाँ पर क्या आता है आर शीर्ष आता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आता है आर शीर्ष आता है, यहाँ पर भी आपके पास आर शीर्ष आएगा। ठीक है, तो आर शीर्ष ये हो जाएगा। तो जब पी शीर्ष किससे मिलता है आर शीर्ष से मिलता है भाई, जब पी शीर्ष किससे मिलता है आर शीर्ष से मिलता है, आर शीर्ष से मिलता है तब यहाँ पर पी आर शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है पी आर भुजा कहलाता है, जब पी पी शीर्ष आर भुजा से क्या होता है मिलता है। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इस चीज को देखें तो पी की भुजा जब पी आर भुजा से मिलता है तो पी शीर्ष का निर्माण होता है। क्या शीर्ष का निर्माण होता है, पी शीर्ष का निर्माण होता है। तो जब पी की भुजा मिलेगा पी आर के बेस पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कंटेंट के हिसाब से, अगर इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो इस कंटेंट के मुताबिक जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास ये चीज हो जाता है कि यदि पी क्यू भुजा मिल जाता है पी आर भुजा से तो पी शीर्षक निर्माण होता है क्यू शीर्षा, यदि पी क्यू भुजा मिल जाता है क्यू आर भुजा से तो क्यू शीर्षक निर्माण होता है आर शीर्षा, यदि क्यू आर भुजा मिल जाता है पी आर भुजा से तो आर शीर्षा, पी क्यू भुजा यदि पी शीर्षा मिल जाता है क्यू शीर्षा से तो पी क्यू भुजा कहलाता है क्यू शीर्षा, जब आर शीर्षा से मिलता है तो क्यू आर भुजा कहलाता है पी आर भुजा, यदि पी शीर्षा क्यू शीर्षा से मिलता है तो पी आर भुजा कहलाता है। तो इस तरीके से शीर्षक माध्यम से पी शीर्षक के लिए आप लोग देख लिए कि पी क्यू भुजा और यहाँ से पी आर भुजा जब मिलता है तो पी शीर्ष कहलाता है, क्यों शीर्ष कब कहलाता है जब पी क्यू भुजा मिलता है क्यू आर भुजा से तब क्यों शीर्ष कहलाता है, आर शीर्ष कब कहलाएगा जब क्यू आर भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब आर शीर्ष कहलाएगा। अब इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो पी क्यू क्यू आर और पी आर के बेस पे तो पी क्यू भुजा के बेस पे देखते हैं तो पी शीर्ष मिलता है क्यू शीर्ष से तो पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा के लिए देखते हैं क्यू शीर्ष मिलता है आर शीर्ष से तो क्यू आर भुजा, पी शीर्ष मिलता है आर शीर्ष से तब ये पी आर भुजा कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को जान सकते हैं कि पी शीर्ष क्यू शीर्ष से मिलेगा तो पी क्यू के बेस पे रहेगा, क्यू शीर्ष मिलेगा आर शीर्ष के बेस पे तब क्यू आर रहेगा, और पी आर भुजा के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं तो पी शीर्ष मिलेगा आर शीर्ष के बेस पे तब ये पी आर भुजा के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो पी क्यू भुजा पी शीर्ष क्यू शीर्ष पी क्यू और ये हो जाएगा क्यू आर भुजा क्यू शीर्ष आर शीर्ष से क्यू आर और पी आर भुजा पी शीर्ष आर शीर्ष से मिलेगा तो पी आर भुजा के बेस पे हो जाएगा। इस तरीके से भुजाओं के संयोग से हमारे पास क्या बनता है शीर्ष बनता है, शीर्षों के संयोग से क्या बनता है भुजाओं का निर्माण होता है। दो शीर्ष मिलते हैं तो एक भुजा बनता है, दो भुजा मिलेंगे तो एक शीर्ष का निर्माण होगा। ठीक है, तो दो भुजाओं के मेल से एक शीर्ष, दो शीर्षों के मेल से एक भुजा होता है। अब कोण की बात करते हैं भाई, हम लोग किसकी बात करते हैं कोण की। अब कोण की बात करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज आता है, अब कोण के बेस पे हमारे पास कोण के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, कोण के बेसिस पे क्या क्या आता है, जैसे पी शीर्ष के बेस पे देखें, क्यू शीर्ष के बेस पे देखें, आर शीर्ष के बेस पे देखें कि पी क्यू भुजा पी आर भुजा से मिलता है तो पी शीर्ष, पी क्यू भुजा मिलता है क्यू आर भुजा से तो क्यू शीर्ष, क्यू आर भुजा मिलता है पी आर भुजा से तो आर शीर्ष के माध्यम से होता है। तो पी क्यू भुजा पी शीर्ष क्यू शीर्ष से मिलेगा तो पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा जब क्यू शीर्ष मिलेगा आर शीर्ष से तो क्यू आर भुजा, पी आर भुजा जब पी शीर्ष मिलेगा आर शीर्ष के माध्यम से तब क्या हो जाएगा पी आर भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो पी शीर्ष के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं पी क्यू भुजा प्लस पी आर भुजा ये पी शीर्ष के बेसिस हो जाएगा क्यू शीर्ष, पी क्यू भुजा प्लस क्यू आर भुजा ये क्यू शीर्ष के बेस हो जाएगा आर शीर्ष, क्यू आर भुजा प्लस पी आर भुजा आर शीर्ष के बेस पे तो पी क्यू भुजा का निर्माण जब पी शीर्ष मिलता है क्यू शीर्ष के बेस पे, क्यू आर भुजा का निर्माण जब क्यू शीर्ष मिलता है आर शीर्ष के बेस पे तो क्यू आर भुजा, पी आर भुजा जब पी शीर्ष मिलता है आर शीर्ष के साथ तब पी आर भुजा का निर्माण होता है। तो पी क्यू भुजा के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं किसके बेस पे देखते हैं भाई, पी की भुजा के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर जब पी शीर्ष मिल जाता है क्यू शीर्ष के साथ तब पी की भुजा बनता है क्यू आर भुजा, जब क्यू शीर्ष मिल जाता है आर शीर्ष के साथ तब क्या बनता है क्यू आर भुजा बनता है, और पी आर भुजा के लिए देखते हैं जब पी शीर्ष मिल जाता है आर शीर्ष के साथ तब पी आर भुजा कहलाता है। क्या कहलाता है पी आर भुजा कहलाता है। तो पी की भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी शीर्ष जब क्यू शीर्ष से मिलेगा तो पी क्यू भुजा, और क्यू आर भुजा कब कहलाता है जब क्यू शीर्ष मिलता है आर शीर्ष से तब क्यू आर भुजा, पी आर भुजा जब पी शीर्ष मिलता है आर शीर्ष के साथ तब ये पी आर भुजा के बेस पे होता है। इस तरीके से त्रिभुज में तीन भुजाएं तीन कोण और तीन क्या होते हैं शीर्ष होते हैं। अब कोणों के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है, जब
जब दो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहां पर शीर्षों का निर्माण होता है, जहां पर दो शीर्ष मिलते हैं वहां पर भुजाओं का निर्माण होता है। एक में भुजा का निर्माण होता है, एक में शीर्षक निर्माण होता है। एक में शीर्षक निर्माण होता है तो दूसरे में भुजा का निर्माण होता है। तो एक में भुजा का निर्माण होगा तो एक में शीर्षों का निर्माण होगा, एक में शीर्षों का निर्माण होगा तो दूसरे में भुजा का निर्माण होगा। तो भुजाओं के संयोग से शीर्षक का निर्माण होता है और शीर्षों के संयोग से भुजाओं का निर्माण होता है। दोनों भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है वह कोण के बराबर होता है। दोनों भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है वह किसके बराबर होता है, वह कोण के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज जानते हैं कि अगर पी शीर्षक के माध्यम से देखते हैं तो क्या क्या चीज होता है। इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को जानते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज को यहां से देख सकते हैं भाई कि पी शीर्षक बेस पे क्या होता है। तो पी शीर्षक बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं तो पी क्यू भुजा जब पी आर भुजा से मिलता है तो पी शीर्षक कहलाता है। क्यू शीर्षक जब पी क्यू भुजा मिलता है क्यू आर भुजा से तो क्यू शीर्षक कहलाता है। जब आर शीर्षक क्यू आर भुजा मिलता है पी आर भुजा से तो आर शीर्षक कहलाता है। तो पी क्यू भुजा इक्वल टू पी शीर्षक जब क्यू शीर्षक से मिलेगा तो पी क्यू भुजा क्यू आर भुजा, जब क्यू शीर्ष मिलता है आर शीर्ष से तो क्यू आर भुजा पी आर भुजा, जब पी शीर्ष मिलता है आर शीर्ष से तब पी आर भुजा कहलाता है। पी क्यू भुजा जब पी शीर्ष मिलता है क्यू शीर्ष से तो पी क्यू भुजा क्यू आर भुजा, जब क्यू शीर्ष मिलता है आर शीर्ष से तब क्यू आर भुजा पी आर भुजा, जब पी शीर्ष मिलता है आर शीर्ष से तब पी आर भुजा के माध्यम से ये चीज आते हैं। तो पी शीर्ष के लिए हम लोग देखते हैं तो पी क्यू भुजा पी आर से मिलेगा तो पी शीर्ष, और पी क्यू भुजा जब क्यू आर भुजा से मिलेगा तो क्यू शीर्ष, क्यू आर भुजा जब पी आर भुजा से मिलेगा तो आर शीर्ष, पी शीर्ष क्यू शीर्ष से मिलेगा तो पी क्यू भुजा क्यू शीर्ष, आर शीर्ष से मिलेगा तो क्यू आर भुजा पी शीर्ष, आर शीर्ष से मिलेगा तो पी आर भुजा होता है। अब कोण की दृष्टि से देखते हैं एंगल पी के बेस पे हमारे पास क्या आता है। तो कोण की दृष्टि से हम लोग इस चीज को देखते हैं एंगल पी के बेस पे हमारे पास क्या आता है। तो एंगल पी के बेस पे क्या आ जाएगा, फिर एंगल क्यू के बेस पे क्या आता है, फिर एंगल आर के बेस पे हमारे पास क्या आता है। इस चीज को हम लोग यहां से क्या करते हैं वन बाय वन करके देखते हुए चले जाते हैं। तो जिस तरीके से भुजा मिले तो क्या बन गया, भुजा मिला तो क्या बना भाई, भुजा मिला तो शीर्ष बना, और शीर्ष मिलेंगे तो क्या बनेगा, भुजा बनेगा। उसी प्रकार पी क्यू भुजा मिला पी आर भुजा से तो क्या हो गया, पी शीर्ष हो गया, और पी क्यू भुजा जब क्यू आर भुजा के माध्यम से मिला तो क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास क्यू आर भुजा के बेस पे हमारे पास ये चीज हो गया, ठीक है। तो पी शीर्ष के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखें तो पी शीर्ष के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखें कि पी क्यू भुजा मिल गया पी आर भुजा से तो पी शीर्ष, और पी क्यू भुजा मिल गया क्यू आर भुजा से तो क्यू शीर्ष, आर शीर्ष के लिए जब क्यू आर भुजा मिल गया पी आर भुजा से तब आर शीर्ष, पी क्यू भुजा मिल जाएगा पी शीर्ष क्यू शीर्ष से तो पी क्यू भुजा क्यू शीर्ष, आर शीर्ष से मिलेगा तो क्यू आर भुजा, पी शीर्ष आर शीर्ष से मिलेगा तो पी आर भुजा कहलाएगा। अब कोण की दृष्टि से देखते हैं एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर के बेस पे, एंगल पी एंगल क्यू और एंगल आर के बेस। एंगल पी कब बनता है, ठीक है, तो पी क्यू और क्यू आर भुजाओं में क्षैतिज झुकाव, पी क्यू भुजा, पी क्यू भुजा और आर पी भुजा के पी आर भुजा के बीच के क्षैतिज झुकाव, पी आर भुजा के क्षैतिज झुकाव, पी आर भुजा के क्षैतिज झुकाव, क्षैतिज झुकाव, पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के क्षैतिज झुकाव, ठीक है। पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के क्षैतिज झुकाव, ठीक है। पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के क्या होता है, क्षैतिज झुकाव के बेस पे होता है, ठीक है। तो पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के क्षैतिज झुकाव, पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के क्षैतिज झुकाव, पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के क्षैतिज झुकाव में हमारे पास कोण पी बनता है। पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के क्षैतिज झुकाव के बेस पे कोण क्यू, कोण क्यू के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो कोण क्यू कब बनेगा, जब पी क्यू भुजा, इसमें भी जब पी क्यू भुजा, जब पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा के बीच में क्षैतिज झुकाव रहेगा, क्यू आर भुजा के बीच क्षैतिज झुकाव, क्षैतिज झुकाव रहेगा, ठीक है। आर कब बनेगा इस चीज को देखते हैं, आर कब बनेगा, जब क्यू आर भुजा, जब क्यू आर भुजा और पी आर भुजा में, पी आर भुजा में भुजा के बीच, भुजा के बीच पिच क्षैतिज, क्षैतिज झुकाव होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो पी शीर्षक के बेस पे, क्यू शीर्षक के बेस पे, आर शीर्षक के बेस पे, पी शीर्षक के बेस पे, क्यू शीर्षक के बेस पे, आर शीर्षक के बेस पे। एक पी के हिसाब से है भाई, एक क्यू के हिसाब से है, एक आर के हिसाब से है, एक पी के हिसाब से है, क्यू के हिसाब से है, एक आर के हिसाब से है। तो पी क्यू भुजा
पी आर भुजा तो पी शीर्षा, पी क्यू भुजा क्यू आर भुजा तो क्यू शीर्षा, क्यू आर भुजा पी आर भुजा तो आर शीर्षा, पी शीर्षा क्यू शीर्षा तो पी क्यू भुजा, क्यू शीर्षा आर शीर्षा तो क्यू आर भुजा, पी शीर्षा आर शीर्षा तो पी आर भुजा। क्लियर? तो पी क्यू भुजा पी आर भुजा जब मिलेगा तो पी शीर्षा, पी क्यू भुजा जब क्यू आर भुजा से मिलेगा तो क्यू शीर्षा, क्यू आर भुजा मिलेगा पी आर भुजा से तब आर शीर्षा, पी शीर्षा जब क्यू शीर्षा से मिलेगा तो पी क्यू भुजा, क्यू शीर्षा जब आर शीर्षा से मिलेगा तो क्यू आर भुजा, पी शीर्षा जब आर शीर्षा से मिलेगा तो पी आर भुजा हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण पी का निर्माण किस तरीके से होता है, तो कोण पी का निर्माण हमारे पास किस तरीके से होगा, तो ये आप लोगों के जब पी क्यू भुजा, जब पी क्यू भुजा आपके पी आर भुजा से, भाई जब पी क्यू भुजा आपके पी आर भुजा के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है, जब पी क्यू और पी आर भुजा के बीच में क्या होता है, क्षैतिज झुकाव होता है, जब पी क्यू और पी आर के बीच में क्या होता है, क्षैतिज झुकाव होता है, तब कोण पी बनता है। और जब पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा और क्यू आर भुजा के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है तो कोण क्यू बनता है। आर कब बनता है भाई, आर कब बनेगा, जब क्यू आर भुजा और पी आर भुजा, जब क्यू आर भुजा और पी आर भुजा के बीच में क्षैतिज झुकाव रहेगा तब क्या बनेगा, कोण आर बनेगा, तब क्या बनेगा, कोण आर बनेगा। तो एक पी शीर्षक हिसाब से है तो दूसरा क्यू शीर्षक हिसाब से, तीसरा आर शीर्षक हिसाब से, एक पी क्यू भुजा के बेस पे तो दूसरा क्यू आर भुजा के बेस पे, एक पी आर भुजा के बेस पे। तो पी शीर्षक का जब क्यू शीर्षक से मिलता है तो पी क्यू भुजा बनता है, जब क्यू शीर्षक आर शीर्षक से मिलता है तो क्यू आर शीर्षक क्यू आर भुजा बनता है, जब पी शीर्षक आर शीर्षक से मिलता है तो पी आर भुजा बनता है। एंगल पी के बेस पे हम लोग देखते हैं तो पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के क्षैतिज झुकाव, एंगल क्यू हिसाब से देखते हैं तो पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव, एंगल आर की दृष्टि से देखते हैं क्यू आर भुजा और पी आर भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव। तो पी क्यू भुजा जब पी आर भुजा के क्षैतिज झुकाव के साथ मिलेगा तो कोण पी बनेगा, जब पी क्यू भुजा क्यू आर भुजा के क्षैतिज झुकाव के साथ मिलेगा तो कोण क्यू बनेगा, जब कोण आर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो क्यू आर भुजा जब पी आर भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव के बेस पे रहता है तब क्या बनता है, कोण पी के बेस पे बनता है, एक कोण क्यू के बेस पे बनता है, कोण आर के बेस पे बनता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, जिसमें त्रिभुज में तीन शीर्ष तीन भुजा तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष तीन भुजा और तीन क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो इसमें से आप लोगों का पहला जो शीर्ष है वो P के बेस पे, दूसरा Q के बेस पे है, तीसरा R के बेस पे, एक P के बेसिस पे है, एक Q के बेसिस पे है, एक R के बेसिस पे है, एक P Q के बेसिस पे है। भुजा अगर देखेंगे तो तीन भुजाएं होती है, पहला पी क्यू भुजा के बेस पे है, दूसरा क्यू आर भुजा के बेस पे, तीसरा पी आर भुजा के बेस पे। तो पहला किसके बेस पे है देखिए, तो पहला पी क्यू भुजा के बेस पे है, दूसरा क्यू आर भुजा के बेस पे है, तीसरा पी आर भुजा के बेस पे है। कितने शीर्ष है, तो पहला पी शीर्ष है, दूसरा क्या है तो क्यू शीर्ष है, तीसरा क्या है तो आर शीर्ष है, तीसरा आर शीर्ष है, दूसरा क्यू शीर्ष है, पहला पी शीर्ष है। जब पी शीर्ष क्यू शीर्ष से मिलेगा तो पी क्यू भुजा बन जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब क्यू मिलेगा आर के साथ तो क्यू आर भुजा मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और जब पी आर से मिलता है तब पी आर भुजा बनता है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, जब भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा, तो भुजाओं के संयोग से शीर्ष बनता है, शीर्षों के संयोग से भुजा बनता है, जब दो भुजा मिलते हैं तो एक शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो एक भुजा का निर्माण होता है, दोनों भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसको बार बार बता रहा हूं भाई क्योंकि इसका यूज होने वाला है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या होती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। यहां पर नाम क्या क्या है, तो पी है, क्यू है, आर है। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो तीन भुजा होते हैं, पहला पी क्यू भुजा होता है, दूसरा क्यू आर भुजा होता है, तीसरा पी आर भुजा के बेस पे होता है। ठीक है, अब आगे पीछे करके भी इस चीज को बोल सकते हो, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हो। कोण के बेस पे देखेंगे तो एंगल पी क्यू आर, ठीक है, या आर क्यू पी, या पी क्यू आर, या आर क्यू पी, या फिर क्यू आर पी, या आर पी क्यू, या क्यू पी आर, या यहां पर बोल सकते हो पी आर क्यू या आर पी क्यू, इस तरीके से भी इस चीज को बोल सकते हो, किसी भी एंगल से बोल सकते हो, किसी भी साइड से बोल सकते हो, इसमें ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो शीर्ष के माध्यम से हम लोग देखें तो शीर्ष के हिसाब से हमारे पास क्या था, पहला पी के बेसिस पे था, दूसरा क्यू के बेसिस पे, तीसरा आर के बेसिस पे। भुजा के बेस पे पहला पी क्यू भुजा के बेस पे, फिर क्यू आर भुजा के बेस पे, फिर पी आर भुजा के बेस पे। कोण की दृष्टि से एंगल पी के बेस पे, एंगल क्यू के बेस पे, एंगल आर के बेस पे, एंगल कोण के बेस पे, एंगल पी के बेस पे, एंगल क्यू के बेस पे, एंगल आर के बेस पे। तो पी क्यू आर, पी क्यू
के बेस पे हम लोग देखते हैं तो पी शीर्षक क्यू शीर्षक से मिलता है तो पी क्यू भुजा, क्यू शीर्षक आर शीर्षक से मिलता है तो क्यू आर भुजा, पी शीर्षक आर शीर्षक से मिलता है तो पी आर भुजा। पी आर भुजा कब मिले बनेगा या बनेगा, तो यहाँ से पी जब आर से मिलता है तब बनता है पी आर, या आर पी से बनता है तो फिर भी बनेगा पी आर, या पी आर से मिलेगा तो पी आर बनेगा, या आर पी से बनेगा तो फिर भी वही मिलेगा। ठीक है, क्यू का आर के साथ होता है तो क्यू आर, और आर का क्यू के साथ होता है तो फिर भी क्यू आर होता है, और P का Q के साथ होता है तो P Q, या P Q का P का Q के साथ होगा तो P Q के बेस हो जाएगा, Q का P के साथ होगा तो फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को भी यहाँ से कर सकते हैं। तो P Q R के बेसिस पे हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो शीर्ष के हिसाब से एक P शीर्ष हो गया, एक Q शीर्ष हो गया, एक R शीर्ष हो गया। भुजा की दृष्टि से एक PQ भुजा हो गया, एक QR भुजा हो गया, एक PR भुजा हो गया। कोण की दृष्टि से एंगल P हो गया, एंगल Q हो गया, एंगल R हो गया। ठीक है, तो शीर्ष के हिसाब से क्या हो गया आएगा, PQ आर हो जाएगा, और जब भुजा की दृष्टि से देखेंगे तो PQ हो जाएगा, QR हो जाएगा, PR हो जाएगा, और जब कोण की दृष्टि से देखेंगे तो एंगल P हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा, एंगल R हो जाएगा। तो P शीर्षक का निर्माण जब PQ भुजा PR भुजा से मिलता है, और जब Q शीर्षक का निर्माण जब PQ भुजा QR भुजा से मिलेगा तो Q, और जब QR भुजा PR भुजा से मिलेगा तो R, जब P शीर्षक Q शीर्षक से मिलता है तो PQ भुजा, जब Q शीर्षक R शीर्षक से मिलता है तो QR भुजा, जब P शीर्षक R शीर्षक से मिलता है तो PR भुजा। PQ भुजा और PR भुजा क्षैतिज झुकाव, तो एंगल एंगल P के बेस हो जाएगा, PQ भुजा और QR भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव एंगल Q के बेस हो जाएगा, QR भुजा और PR भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव हमारे पास एंगल R के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस तरीके से भुजाओं के संयोग से शीर्षों का निर्माण, शीर्षों के संयोग से भुजाओं का निर्माण, दोनों भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण के बेस पे होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश का होता है, जिसमें हमारे पास जो त्रिभुज के आधार पे हमारे पास दो तरीके से पढ़ते हैं, एक भुजा के आधार पे पढ़ते हैं, कोण के आधार पे पढ़ते हैं, एक भुजा के आधार पे पढ़ते हैं, कोण के आधार पे पढ़ते हैं। भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज होता है, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर वर्गीकरण किया गया तो इनको इन्हीं के तीनों के आधार पे किया गया है। तो इस तरीके से शीर्षक के बेस से हमारे पास पी हो गया, एक क्यू हो गया, एक आर हो गया। भुजा के बेस पे देखेंगे तो एक पी क्यू के बेस हो जाएगा, एक क्यू आर के बेस हो जाएगा, एक पी आर के बेस हो जाएगा, और कोण के दृष्टि से देखेंगे तो कोण पी के माध्यम से हो जाएगा, कोण क्यू के माध्यम से हो जाएगा, कोण आर के माध्यम से हो जाएगा। तो पी के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी और आर के माध्यम से देखेंगे तो पी आर हो जाएगा, पी और क्यू के माध्यम से देखेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, क्यू और आर के माध्यम से देखेंगे तो क्यू आर हो जाएगा। इस तरीके से दोनों बीच के क्षैतिज झुकाव के बेस पे भी हम लोग इस चीज को देखेंगे तो दोनों इसी कंटेंट के मुताबिक भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक पी क्यू के बेसिस पे होता है, एक पी आर के बेसिस होता है, एक क्यू आर के बेसिस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास शीर्षों का निर्माण हो गया, भुजाओं का निर्माण हो गया, कोणों का निर्माण हो गया। त्रिभुजों का वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं भाई, किसका, त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ से करते हैं तो हमारे प्रकार दो तरीके से आता है। एक होता है भुजा के आधार पे होता है भाई, एक क्या होता है भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, और एक होता है कोण के आधार पे। एक होता है कोण के आधार पे होता है, ठीक है, एक किसके आधार पे होता है, कोण के आधार पे हमारे पास होता है। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं, एक भुजा के आधार पे करते हैं, कोण के आधार पे करते हैं। एक त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं, भुजा के आधार पे करते हैं, कोण के आधार पे करते हैं, कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे करते हैं। तब हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो पी क्यू आर शीर्षक, पी क्यू क्यू आर पी आर भुजा, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर कोण के बेस होता है। तो पी शीर्षक निर्माण जब पी क्यू पी आर से मिला तो पी शीर्षक, पी क्यू क्यू से मिला क्यू आर से मिला तो क्यू शीर्षक, क्यू आर भुजा पी आर भुजा से मिला तो आर शीर्षक, पी शीर्षक क्यू शीर्षक से मिलेगा तो पी क्यू भुजा, क्यू शीर्षक आर शीर्षक से मिलेगा तो क्यू आर भुजा, पी शीर्षक आर शीर्षक से मिलेगा तो पी आर भुजा। पी क्यू भुजा और पी आर भुजा का क्षैतिज झुकाव एंगल P, PQ भुजा और QR भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव एंगल Q, QR भुजा और PR भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव एंगल R के बेस होता है। तो यहां से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश का होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, जिसमें तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, शीर्ष PQ R होता है, भुजा PQ QR और PR होता है, कोण एंगल P एंगल Q एंगल R के बेसिस होता है। त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं तो एक भुजा के आधार
आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है, एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। तो यहाँ पर शीर्ष के मिलाप को हम लोग देख लिए, भुजाओं का संयोग को देख लिए, कोणों का संयोग को देख लिए। अब कोण के बेसिस हमारे पास की एक समकोण के बेस पे होती है कि एक न्यून कोण के बेसिस होती है कि एक अधिक कोण के बेस होती है, कि समबाहु होता है कि समद्विबाहु होता है, विषमबाहु होता है, जो प्रमेय से रिलेटेड होता है, वृत्त के द्वारा अंतरित कोण का जो मान होता है 360 अंश, वो किस तरीके से होता है, ये सारी चीज को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो पी शीर्षा के बेस पे आप लोग इस चीज को देख लिए, क्यू शीर्षा के बेस पे देख लिए, आर शीर्षा के बेस पे देख लिए भाई, पी क्यू भुजा के बेस पे देख लिए, क्यू आर भुजा के बेस पे देख लिए, पी आर भुजा के बेस पे देख लिए। तो जिस तरीके से त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश का होता है, और त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोणों का माध्यम होता है, जिसमें से पी का क्यू के साथ, पी जब शीर्ष क्यू शीर्ष से मिलता है तो पी क्यू बनता है, जब क्यू आर से मिलता है तो क्यू आर बनता है, जब पी आर से मिलता है तो पी आर बनता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा के बीच में जो क्षैतिज झुकाव रहेगा वह क्या रहेगा, कोण क्यू के माध्यम से रहेगा, और पी क्यू मिलेगा क्यू आर से तो फिर भी क्यू बनेगा, जब पी क्यू पी आर से मिलेगा तो पी शीर्ष बनेगा, और जब क्यू आर पी आर से मिलेगा तो फिर भी आर शीर्ष बनेगा। जहां पर दोनों भुजाओं में से दो कॉमन उभयनिष्ठ के बेस पे रहेगा उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो पी शीर्षक के माध्यम से देखते हैं तो पी क्यू भुजा पी आर भुजा के माध्यम से होता है, क्यू शीर्षक निर्माण होता है, पी क्यू भुजा क्यू आर भुजा तो क्यू शीर्षा आर शीर्षा, जब क्यू आर भुजा पी आर भुजा से मिलता है तो आर शीर्षा पी क्यू भुजा, जब पी शीर्षा मिलता है क्यू शीर्षा से तब पी क्यू भुजा क्यू आर भुजा, जब क्यू शीर्षा मिलता है आर शीर्षा से तब क्यू आर भुजा पी आर भुजा, जब पी शीर्षा मिलता है आर शीर्षा से तब पी आर भुजा। तो पी एंगल पी की दृष्टि से देखते हैं तो पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के क्षैतिज झुकाव, एंगल क्यू के हिसाब से देखते हैं तो पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव, एंगल आर के बेस से देखते हैं तो क्यू आर भुजा और पी आर भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव। त्रिभुजों का वर्गीकरण एक भुजा के आधार पर देख लेंगे तो दूसरा कोण के आधार पर रहेगा, ठीक है। तो शीर्ष के अनुसार से हमारे पास एक पी के माध्यम से होता है, क्यू के माध्यम से होता है, आर के माध्यम से होता है, भुजा के आधार पर एक पी क्यू के माध्यम से होता है, क्यू आर के माध्यम से होता है, एक पी आर के माध्यम से होता है, कोण के आधार पर एंगल पी के बेस पे होता है, एंगल क्यू के बेस पे होता है, एंगल आर के बेस होता है, ठीक है। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है, तो तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो तीन कोण होते हैं भाई। तो शीर्ष के अनुसार से हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो पी क्यू आर के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं शीर्षों के अनुसार से, तो एक आप लोगों का शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो एक पी के बेस होता है, एक क्यू के बेस होता है, एक आर के बेस होता है। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो एक पी क्यू भुजा होता है, एक क्यू आर भुजा होता है, एक पी आर भुजा होता है। कोण के दृष्टि से देखते हैं तो एंगल पी होता है, एंगल क्यू होता है, एंगल आर होता है। तो जब भुजा मिलेंगे तो क्या बनेगा, शीर्ष बनेगा। जब शीर्ष मिलेंगे तो भुजा बनेगा, भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेंगे तो भुजा बनेगा। किसके संयोग से भुजा बनेगा, तो शीर्षों के संयोग से भुजा बनेगा। शीर्षों के संयोग से क्या बनेगा, भुजा बनेगा। भुजाओं के संयोग से क्या बनेगा, शीर्ष बनेगा। कितने शीर्ष मिलते हैं, तो दो शीर्ष मिलते हैं, तो कितने भुजा बनते हैं, एक भुजा बनते हैं। कितने भुजाओं के संयोग से शीर्ष मिलते हैं, दो भुजाओं के संयोग से शीर्ष बनता है। दो भुजा मिलेंगे तो एक शीर्ष बनेगा, और दो शीर्ष मिलेंगे तो एक भुजा बनेगा। जिस तरीके से पी शीर्ष क्यू शीर्ष से मिलेगा तो पी क्यू भुजा, क्यू शीर्ष आर शीर्ष से मिलेगा तो क्यू आर भुजा, आर शीर्ष पी शीर्ष से मिलेगा तो पी आर भुजा, पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव, कोण क्यू पी क्यू भुजा पी आर भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव, कोण पी क्यू आर भुजा पी आर भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव, कोण आर के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखे, ठीक है, जिसके अंतर्गत त्रिभुज के बेस पे आप लोगों को बताया गया। इसके आगे का जो कंटेंट है एक्सरसाइज का, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं।